हर हर महादेव। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज बाबा धाम कवड़िया पथ पर। सो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि इधर आप देख सकते हैं, ये इधर बिहार का कवड़िया पथ है और अभी हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दुमा बॉर्डर के पास। ये पूरा आप देख सकते हैं, इधर बिहार का कवड़िया पथ है और इधर से देख सकते हैं कि बमजी लोग जो है यात्रा करते हुए यहाँ पर दुमा बॉर्डर पहुंच रहे हैं। देखिए, ये आपका सामने में गेट दिख रहा होगा, बिहार का गेट हो गया आपका। और यहाँ की जो है इधर का पूरा आपको दिखा दे। देखिए, यहाँ पर इधर चापाकल वगैरह है और वैसा जो है व्यवस्था अभी जो है नहीं मिलता सावन की तरह, लेकिन ऑफ सीजन में जो कुछ भी है जितना मिलता है उससे जो है ना बहुत ही खुश रहते हैं जो भी बमजी यहाँ पर यात्रा करते हुए आते हैं। और स्ट्रक्चर पूरा दुकान का आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल इधर का ठीक ठाक है। आंधी तूफान आया है फिर भी देख सकते हैं सब कुछ इधर का जो है देखने को अच्छा खासा जो है मिल रहा है। सामने में देख सकते हैं बिहार का जो है गेट है। चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। सो बमजी यहाँ पर यात्रा करते हुए आ रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं बमजी? हम तो यही देवघरे का है। अच्छा, देवघर के हैं। हाँ तो यात्रा कब से कर रहे हैं आप, कहाँ हाँ यात्रा? शुक्रवार को जल उठाए हैं 18 बजे। अच्छा, मतलब यात्रा आपकी पहली है कि इसके पहले भी यात्रा किए हैं? तीसरा सुमारी है। तीसरा, मतलब साप्ताहिक कर रहे हाँ हैं। सप्ताह बैसाख का। अच्छा, तो आप कैसा, मतलब कांवड़िया पथ का भी स्थिति बताइए। आंधी तूफान आया उसके बाद का स्थिति उधर कैसा है? सब बाबा का सब कृपा रास्ता से वगैरह सब ठीक है? ठीक है। और कहाँ रुकते हैं आप लोग, ज्यादा रुकते हैं कहाँ पर बीच पहला में? दिन तो रुके यहाँ धर्मराय, और हाँ, दूसरा दिन किशनगंज, अच्छा, धर्मशाला और तीसरा दिन तो में। हाँ धर्मशाला। और सब कुछ ठीक है, व्यवस्था मिलता है? यही नीचे बालू कंकड़ हाँ, सब मिल सब रहा है। मिल रहा हाँ है। तो खैर, पथ का तो थोड़ा सा स्थिति खराब हो हाँ रहा है, इसीलिए अब चलिए। मौसम तो ठंडा था, ठंडा था, मौसम तो बहुत उसमें बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई चलने में दिक्कत काफी कोई। अच्छा लगा। हाँ सब चीज और अच्छा, पथ में कहीं भी ऐसा कि पेड़ वगैरह गिरा हुआ रास्ते में, कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था? कहीं कहीं हाँ, यहाँ पर इधर यहीं पे गिरा था, लाइन का पॉल गिरा हुआ है। तो थोड़ा रास्ता नहीं बाधक हो गया है क्या, मतलब बीच बाधक में साइड में गिरा है। साइड में गिरा है? तो हाँ बाकी सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो दिक्कत नहीं है। अभी आप यहाँ से अभी दुमा बॉर्डर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर अभी आप कहाँ रुकेंगे? खिजुरिया। खिजुरिया में रुकेंगे। हाँ यहाँ रात में। से आप खिजुरिया पहुंच जाएंगे यहाँ से हाँ उसके? बगल में तो है। हाँ, चलिए, अच्छा लगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इधर देखिए बिहार का जो गेट हो गया और इधर हम लोग, इधर झारखंड का गेट हो गया है, मतलब बिहार झारखंड का बॉर्डर दुमा बॉर्डर बोल सकते हैं। बिहार झारखंड का कांवड़िया पथ भी आप इसको बोल सकते हैं कि दोनों ही कांवड़िया पथ का जो है अपडेट्स यहाँ से मिलता है। कांवड़िया यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ से फिर जो है बाबा नगरी की ओर, जो यहाँ जब पहुंचते हैं तो बाबा नगरी द्वार यहाँ पर देखिए लिखा हो रहता है। ऐसा लग महसूस होता है कि यहाँ से जो है बाबा नगरी वो पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से दूरी जो है बहुत कम है और जो हमेशा आते हैं उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो साप्ताहिक अभी बमजी मिले तो उनके लिए तो कोई भी जो है दिक्कत का काम नहीं। देख सकते हैं महिला बम जो है सभी लोग यात्रा करते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बम अभी मिल रहे हैं। देखिए शाम का टाइम है और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर यात्रा हो रहा है। देख सकते हैं हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं बमजी? देवघर बोलने में महिला मम जो है ना बहुत शर्माती है, बताना ही नहीं चाहते हैं। चलिए यात्रा कर रहे हैं और बाबा की नगरी में पहुंचते हैं और बहुत ही देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं तेजी में, जाके जल्दी पहुंचे। तो ऐसे ही पूरा यात्रा जो है होते रहता है। और सावन के टाइम का जो माहौल होता है, जो आपको बता दें, पूरा ये सब दुकान देख रहे हैं कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर पूरा स्टॉल लगा हुआ रहता है जो कि अभी कुछ नहीं मिलता है और कुछ ऐसा तैयारी भी जो है देखने को नहीं मिल रहा है। इस साइड में देखिए यहाँ पर पूरा मंच लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यहाँ पर जब बमजी आते हैं तो एक थकान जो है उनका मिटता है। यहाँ पर रुकते जरूर हैं और यहाँ पर अपना थोड़ा सा मनोरंजन के लिए पूरा व्यवस्था यहाँ पर रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और यहाँ पर रुकते हैं तो उनकी थोड़ी थकान जो है मिट जाती है। इधर भी पूरा जो है दुकान वगैरह लगा हो रहा था। इस साइड में देखिए पूरा खाली है, इधर इस एरिया में देखिए यहाँ पर पूरा जो है खाली अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारा पूरा एकदम बना हुआ रहता है और काफी अच्छा लगता है। बहुत सारा दुकान और सजावट पूरा रहता है, दोनों दोनों गेट जो है पूरा सजा हुआ रहता है, देखने में काफी सुंदर लगता है जो कि जल्द ही अब देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं दुमा बॉर्डर का जो है अपडेट है वो सभी मैंने जो आपको बताया। आंधी तूफान के बाद का जो है क्या स्थिति परिस्थिति है इधर का जो है देख सकते हैं। यहाँ पर वैसा कुछ ज्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है इफेक्ट पड़ा है, मतलब आंधी आने के बाद, क्योंकि देखते हैं दुकान का स्ट्रक्चर वगैरह जैसा था वैसा ही है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है।
तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को जो है एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप सभी को ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।